हाय गाइस, तो मैंने डिनर में आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी, बट हम लोग ये नहीं खाने वाले हैं, बाकी सब लोगों के लिए है। तो आज मैं फिर से एक हेल्दी रेसिपी शेयर करूँगी, विच इज़ ऑफ दलिया एंड बाजरा खिचड़ी। अगेन हेल्दी फॉर यू एंड बनाना आसान है। मैंने बाजरा और दलिया पहले भिगो दिया है, घी डाल के थोड़ा सा जीरा डाला है। अब इसमें थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, लगभग एक छोटी सी हरी मिर्च है इसमें। और उसके बाद मैंने यहाँ पर वेजीज काट ली हैं बहुत सारी, तो जो भी आपको पसंद है वो वेजीज़ आप इसमें डाल सकते हो। उससे पहले मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ तड़के में, जैसे हल्का सा जीरा मेरा ब्राउन हो गया है तो मैंने उसमें 5-6 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं एंड उसके बाद थोड़े से और ऐड कर लिए थे। आफ्टर दैट आपको देखना है कि आपको कौन कौन सी सब्ज़ी चाहिए। तो मैंने बहुत बेसिक सब्ज़ियाँ रखी हैं, बीन्स है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, गाजर है, पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, और मटर भी मुझे डालनी है इसमें, वो मैंने भी आपको दिखाई नहीं शायद। तो ये सब सब्ज़ियाँ आप यूज़ कर सकते हो, और कोई भी सब्ज़ी जो भी आपके घर में पड़ी हो, बैंगन, लौकी, तोरी, एनीथिंग यू कैन ऐड इन दिस। उसके बाद मैंने मटर ऐड कर दिया है और इनको हम हल्का सा भूनेंगे, लाइक सौते करेंगे बहुत कम आँच पर थोड़ी सी देर के लिए, जैसे कि बस सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा हम सौते नहीं करने वाले। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, हल्दी, धनिया सौंफ पिसी हुई, और लाल मिर्च आपका प्रेफरेंस है, मैं अभी नहीं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च और ज़्यादा मिर्ची, क्योंकि मुझे रूरू के लिए भी इसमें से निकालना है। तो मैंने बाजरा और यहाँ पे दलिया आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, अब मैं उसको डाल रही हूँ उसमें स्टेन करके। तो सब्ज़ियाँ ज़्यादा हैं दलिया और बाजरा कम है, इससे क्या होगा, वेजी इनटेक अच्छा रहेगा, फाइबर इनटेक आपकी बॉडी में सही जाएगा एकदम। सो दिस इज़ द खिचड़ी रेसिपी। अभी मैं कुछ बताऊंगी एक दो चीज़ें इसमें जो ऐड करनी है, बट मैं सिंपली क्योंकि रूरू के लिए बना रही हूँ जैसे कि मैंने बताया, तो मैंने भी लाल मिर्च ऐड नहीं की है। पानी डाल के अब मैं इसे कुकर में बंद कर दूंगी, ढक्कन लगा के। लगभग मैंने ऐसी इसमें लो फ्लेम पे 10 मिनट इसको सिम पे रखा था एंड वो रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें अब नमक डाल दिया है एंड ढक्कन बंद कर देंगे इसके बाद। तो ये हमारा दलिया खिचड़ी बनकर रेडी है। बाद में इसमें मैंने लाल मिर्च और हरी मिर्च का तड़का लगा दिया था एंड दैट्स इट। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम करने वाले हैं वेडिंग लुक बुक। दिस इज द वेडिंग लुक बुक दैट आई हैव बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग, क्योंकि मैंने प्लान की थी बहुत टाइम पहले, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली प्रैक्टिकल फॉर ऑल ऑफ यू। आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं इन ओरिजिनल वेडिंग्स इन रियल लाइफ एक्चुअली। एंड मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर, क्योंकि मैंने बहुत सारे लुक्स क्रिएट किए हैं, लगभग 4 लुक्स क्रिएट किए हैं फॉर वेडिंग सीजन। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला लुक सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसमें मैंने एक कुर्ता ऐड किया है विच इज़ फ्रॉम इंडियन विरासत। इसका वाइट कलर मेरे पास है, बट दिस टाइम आई हैव बॉट दिस ब्यूटिफुल येल्लो कलर जो कि बहुत प्यारा है, एंड आप इसे डिफरेंट ओकेजन्स पे स्टाइल कर सकते हो। ये जो कपड़ा है कॉटन है, लेकिन इसमें एक वाइट कलर के धागे से थोड़ा सा काम है, हल्का हल्का सा, जो कि इसकी वीविंग में ही है, एंड इसमें काफ़ी अच्छा घेर दिया गया है नीचे तक। बहुत हैवी कुर्ता है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर मैंने इसको स्टाइल किया विद अ वेरी ब्यूटिफुल सिंपल येल्लो प्लाजो। आप कोई भी सिंपल येल्लो या फिर गोल्डन का प्लाजो के साथ पहन लो। और यहां पर मैंने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है विद माई दुपट्टा, जो कि ब्यूटीफुल पर्पल कलर का बनारसी दुपट्टा है, एंड ये इसका जो घेर है वो काफी खूबसूरत आता है, एंड कपड़ा हैवी है तो नीचे अच्छी खासी लटकन आती है इसमें, तो देखने में बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद। स्लीव्स यहां तक हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, वेरी कंफर्टेबल टू वेयर इन समर्स एज वेल एज आप इसे नॉर्मल वेडिंग्स में भी पहन सकते हो। एंड यहां पर ऐड किया है मैंने ये बहुत ही प्यारा सा पर्पल दुपट्टा, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में शायद दिखाया था, एंड इसमें बीच में बूटी है, एंड यहां पर साइड में इसमें पूरे में बॉर्डर दिया गया है। तो जब आप इसके साथ इसको पहनेंगे तो बहुत ही प्यारा सा एकदम ब्राइट वाइब आएगी, बिल्कुल हैप्पी वाली वेडिंग में। तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। हाथों में सिंपल सा कड़ा पहना है, गले में ब्यूटीफुल सा कुंदन और पर्पल पर्ल्स का नेकलेस पहना है, जो कि मैंने अमेजोन से लिया था। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ वीडियो अपना नेकलेस वगैरह का, रिसेंटली मैंने एक प्रीमियम ज्वेलरी हॉल किया था, वो आप चेकआउट कर लेना, वहां पे आपको ज्वेलरी का लिंक मिल जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट आउटफिट दैट आई हैव क्रिएटेड, टेक अ लुक एट इट। आई नो कि आपको ये बहुत पसंद आने वाला है, और ये लड़कियों के लिए भी है और मैरिड वुमेन के लिए, जिन्हें पसंद है सब इसे पहन सकते हैं, एंड इसमें कोई एज ग्रुप का बैरियर भी नहीं है, आपकी कोई भी एज है उस पर ये बहुत खूबसूरत लगेगा। एंड ऑफ कोर्स कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी डिफरेंट, यू विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड।
नेक्स्ट आउटफिट विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सूट एक्चुअली, एंड दिस इज वेरी अफोर्डेबल. ये आपको बहुत अच्छे प्राइस में एक पूरा का पूरा आउटफिट मिल रहा है. यू डोंट हैव टू ऐड एनी स्कर्ट, एनी दुपट्टा, कुछ भी आपको इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ सिंपल से इयररिंग्स पहनो एंड यू आर गोइंग टू लुक प्रिटी डिफरेंट एंड खूबसूरत आप लगेंगी. एंड दिस इज द ब्यूटिफुल कुर्ता. इसमें कुछ इस तरीके का फ्रंट में डिजाइन है, शायद अभी आपको इसका दुपट्टा समझ ना आए, बट इसमें अटैच दुपट्टा दिया गया है फ्रिल्स वाला. साथ में इसमें बेल्ट आई है जो कि आप इजिली यहाँ पे लूप्स दिए गए हैं उनमें आप इन्हें डाल के पहन सकते हो. ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही है क्योंकि दुपट्टे को पूरा यहाँ से ऐसे जब लाइन आती है फ्रंट में ये लेस वाली, तो बहुत खूबसूरत लगती है. बिल्कुल इन्हांस हो जाता है पूरा का पूरा लुक. एंड नीचे इसमें काफ़ी अच्छा घेर दिया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा ड्रूपी था तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर कैनकेन पेटीकोट पहन लिया. कैनकेन पेटीकोट तो आपको खरीद लेना चाहिए, आपकी बहुत सारी चीज़ों पे चलेगा. साड़ी के नीचे आप पहन सकते हो, बहुत सारे स्कर्ट को फ्लेयर देने के लिए पहन सकते हो. उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. मेरे पास गोल्डन था तो वही मैंने पेयर किया, हल्का सा फ्लेयर आया इसमें, बहुत खूबसूरत लग रहा था. सिंपल मैंने यहाँ पर इसके साथ रेड हील्स पहने थे, कानों में सिंपल से इयररिंग्स पहने, बाल खोल लिए. I absolutely love this. इतना आरामदायक ये आउटफिट है कि आप इजिली खा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, भागा दौड़ जो भी शादी में करना है आप कर सकते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स एज वेल बिकॉज ये कलर बहुत प्यारा है, ये सीक्वेंस वर्क जो है बहुत खूबसूरत लगता है. एंड दिस कलर विल कॉम्प्लीमेंट एवरी स्किन टोन, तो ये वाला आप डेफिनेटली ट्राई करें. दिस इज़ फ्रॉम फैबले इंडिया इन अफोर्डेबल रेंज. कपड़ा अच्छा है एंड सबसे अच्छी बात है वेडिंग अप्रोप्रिएट है. अभी अगले जो दो आउटफिट हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव रेंज में हैं गाइस, क्योंकि ये थोड़ा सा नया कलेक्शन है. सो ये मैंने अलग अलग मंगाए हैं, लेकिन दीज आर सेम ब्रांड्स, तो इसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव ये पड़ेगा आपको. लेकिन अगर आपकी भाई की शादी है या फिर बहन की शादी है एंड यू आर ओके टू स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, तो ये आपको बहुत पसंद आने वाला है बिकॉज ये मॉडर्न और एथनिक दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. दिस इज़ द ब्यूटिफुल ब्लू कलर ब्लाउज विद सम एम्ब्रॉयडरी गोइंग ऑन, और बहुत ही प्यारा कपड़ा है, सिल्क टच में है, वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, लाइट वेट है. दिस इज़ द बैक पोर्शन, मैंने खरीदा है इन द साइज स्मॉल. इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सेम डिज़ाइन में स्कर्ट आती है. ये रही हमारी स्कर्ट, इसमें यहाँ पर पॉकेट्स दिए गए हैं बाकायदा. आपने अगर फैबले इंडिया का एड देखा हो यूट्यूब पर, श्रद्धा कपूर करती है, उन्होंने यही वाला सेम पहना है हाथ पॉकेट में डाल के. आई एब्सोल्युटली लव दैट कम्फर्ट बिकॉज देखने में ही इतना हैप्पी और इतना प्लेफुल, इतना कंफर्टेबल आउटफिट है. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. तो ये स्कर्ट आई है सेम जैसा ब्लाउज का कपड़ा था वैसा ही कपड़ा है. अंदर इसमें अस्तर दिया गया है, फ्लेयर इसका ठीक ठाक है, बट इसके नीचे आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है वरना ये ज़्यादा उठी उठी हो जाएगी बिकॉज कपड़ा थोड़ा सा सिल्क टच में है. दोनों का क्वालिटी अमेजिंग है एंड देख पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है. अब यहाँ पे दुपट्टा मैं ऐड करती हूँ तो बहुत सिंपल सा लुक हो जाता, तो मैंने सेम कलर में केप ऑर्डर किया फैबले इंडिया का. एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइस फ्रॉम फैबले इंडिया टिल नाउ. मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये. इस पे पूरे पे फ्रंट में इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी दी गई है सीक्वेंस वाली एंड दिस इज द साइज स्मॉल एंड ये मुझे बहुत परफेक्टली फिट हुआ. इसने दुपट्टे की कमी पूरी कर दी, थोड़ा सा इसने कवर अप भी दिया बैक से और साइड से, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था उस ब्लाउज के साथ, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. पूरा का पूरा आउटफिट मुझे बहुत प्यारा लगा. मैंने सिंपल यहाँ पर बड़े बड़े इयररिंग्स पहने और साथ में मैंने यहाँ पर क्लच ले लिया एंड इट टर्न्ड आउट सुपर मॉडर्न, कंफर्टेबल एंड एथनिक एट द सेम टाइम. मतलब बहुत कंफर्टेबल लगा, जेब में हाथ डालो और आराम से जेब में फ़ोन पैसे कुछ भी रखो, यू आर कम्प्लीटली कंफर्टेबल, डांस आराम से कर सकते हो. मतलब यू आर गोइंग टू रॉक द शो अगर आप ये वाला ट्राई करना चाहते हो. बिल्कुल सिंपल रहेगा, एलिगेंट रहेगा, आप ये संगीत फंक्शन में भी पहन सकते हो. अगर आपका खुद का संगीत फंक्शन है आप इसमें आराम से डांस वगैरह कर सकते हो. खाने पीने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल बी मतलब बिना दुपट्टे के एकदम हसल फ्री हो जाता है और थोड़ी दुपट्टे वाली फीलिंग भी आ जाती है केप में. सो ये वाला आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. इस तरीके के केप्स आजकल इन है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपको पहने हुए दिखाई देंगे, तो ये वाला आप डेफिनेटली ट्राई करना. एंड दिस वॉज केप वॉज again affordable.
आज का लास्ट आउटफिट है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा लुक मैंने क्रिएट किया है। ये जो ब्लाउज आपको दिख रहा है, इस पर छोटा छोटा काम है बहुत प्लास्टिक मिरर्स का, ये वाला ब्लाउज और इसके साथ मैंने पेयर की है बहुत ही खूबसूरत सी फैबले इंडिया की स्कर्ट, दोनों मैंने एक ही ब्रांड से ली है। दिस इज द साइज स्मॉल, और ये भी स्मॉल ऑर्डर किया था लेकिन मीडियम आ गया, तो मुझे थोड़ा सा लूज एंड में ऊपर पूरे में सीक्वेंस का काम है, इनफैक्ट नीचे तक सीक्वेंस का काम है और नीचे हल्की हल्की नेट दिखाई देती है। इसके अंदर इन्होंने बहुत लाइट कैनकैन भी दी है फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्लेयर, बहुत लाइट वेट एंड सॉफ्ट कैनकैन है ऑफ गुड क्वालिटी। ये बहुत ही प्यारी स्कर्ट है, आप देख सकते हैं कितनी ड्रीमी और प्रिंसेस वाली आपको फीलिंग दे रही है। सो दिस आई एब्सोल्युटली लव, ये पूरा रोज गोल्ड पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्कर्ट में, एंड साथ में मैंने ये वाला ब्लाउज पहना, अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था, प्लेन था एकदम, बिकॉज अगर हम ज़्यादा शाइनी पहनेंगे ब्लाउज वगैरह तो मैच नहीं करेगा, तो मैंने साथ में ये सिंपल सा ब्लाउज पहना और एक सिंपल सा नेट दुपट्टा ले लिया। दुपट्टा आपकी चॉइस है, आप लेना चाहते हैं फिर केप वगैरह आप उसके ऊपर सिलवा सकते हैं। ये बहुत प्यारा लुक देता है, जो आजकल पेस्टल्स चल रहे हैं ना, ये एक्चुअली इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैंने सिर्फ गले में नेकलेस पहना, मांग टीका लगाया एंड इट वॉज लुकिंग सो ड्रीमी एंड पूरा मतलब प्रिटी क्लासी वाइब आ रहा था। ये वाला चमकीला धमकीला आउटफिट आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, आपको पसंद आएगा। एंड अगेन मैंने बताया कि अगर स्लीव्स में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप केप वगैरह सिलवा सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। तो ये वाला आउटफिट भी मुझे काफ़ी पसंद आया। वीडियो आई होप कि आपको चारों लुक्स अच्छे लगे हैं। इस वीडियो में थोड़ी सी मेहनत लगी है, अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, मैंने सुबह उठ के काम किया सारा, नाश्ता बनाया, खाना बनाया, लेकिन मैं अभी तक खा नहीं पाई हूँ बिकॉज रोशनी जाने वाली थी एंड दिवेश से मैंने शूट करवाया। थोड़ा सा आज हमने कैमरा और गिम्बल यूज़ किया, आई हैड लॉट ऑफ फन शूटिंग दैट एंड मज़ा आया। आई होप कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कैसा लगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ऑल्सो आई एम कमिंग विद द अफोर्डेबल वेडिंग लुक बुक, बहुत लोग कहते हैं प्लीज़ अफोर्डेबल बना दो, तो बनाएंगे जी, बिल्कुल बनाएंगे। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन।